पर आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार दोबारा से आपसे रूबरू होने के लिए आपके बीच में हूँ। दोस्तों, शिव कुमार सर ने बहुत सही बातें बताई, और जो बताई वो बातें बताई नहीं, वो प्रैक्टिकल हो चुका है। दोस्तों, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और मैं एक ही चीज बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है कि एसएलपीएस में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, क्योंकि आप पैनल के ऊपर इतने सारे लोग देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इतने सारे पैनल के ऊपर लोग देख रहे हैं जो आज से 2 साल 3 साल का ही टाइम हुआ, किसी को 1.5 साल का, इसी ज्यादा लंबे टाइम वाला कोई नहीं है। अगर ये लोग 1.5 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर जब अपनी लग्जरी गाड़ी के अंदर आ सकते हैं, तो आप यकीन मानिए कि जब इससे एक आदमी झूठा हो सकता है, दूसरा आदमी का तुक्का लग सकता है, किसी आदमी का तुक्के से चल सकता है, लेकिन इतने सारे लोगों के तुक्के नहीं लगते हैं। इसके पीछे कोई तो वजह है, कोई तो राज है। आज सबसे ज्यादा विश्वास कीजिए इस पे। मैंने आज से तकरीबन 4 साल और 9 महीने पहले एसएलपीएस वेलनेस का दामन थामा था, एसएलपीएस वेलनेस की शरण में आया था, और एक किसी सोच के शरण में आया था कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोच के आया था कि इतना बड़ा करेंगे, क्योंकि हमें दिखाई देता अपनी औकात के हिसाब से, लेकिन एसएलपीएस वेलनेस ने हमें बड़ा किया अपनी औकात के हिसाब से। दोस्तों, आज मैं जहां भी हूं, जो भी कुछ भी हूं, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से जितना ज्यादा धन्यवाद दूं, उतना ही कम है एसएलपीएस वेलनेस को बनाने वाले, एसएलपीएस वेलनेस के जन्मदाता, उसके फाउंडर, अवर रेस्पेक्टेड अवर कंपनी सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव सर का, हम सब लोगों को जितना धन्यवाद हो उतना देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, संजीव सर ने एसएलपीएस वेलनेस कंपनी नहीं बनाई है। आज आप देखिएगा, बहुत सारे अलग अलग कंपनियों से भी, मैं ये नहीं बताऊं कि कंपनी कोई खराब है कोई अच्छी है, लेकिन अदर कंपनियों से जितने भी लोग आए, और 6 साल 8 साल 10 साल 5 साल 6 साल के अंदर जो कारनामा वहां नहीं कर पाए, वही लोग 6 साल वाले ने 6 महीने के अंदर असली वेलनेस के अंदर ऐसे झंडे गाड़े कि दुनिया पीछे आने की लाइन लग गई। और ऐसा क्या हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि एक सच्ची नीयत के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ, एक लोगों की जरूरत को हमारी कंपनी के एमडी साहब ने समझा, और उन्होंने इसकी समझा कि आखिर लोगों को किस चीज की जरूरत है, उन लोगों को क्या देना चाहिए, एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए। और उस प्रोडक्ट की सबसे खास बात दोस्तों, आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एसएलपीएस वेलनेस ने क्या किया है, एसएलपीएस वेलनेस ने एक काम किया है, 20-25 साल से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आई, लोगों के सपने जगाए, लोगों को 2 साल 3 साल तक यूज किया, 4 साल यूज किया, कर्जे में लाके जिंदगी खड़ी कर दी। जब इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे लोग, तो उनके अकाउंट में पैसे रहा करते थे, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में 4-5 साल बाद क्विट करने की बारी आई, तो वो लोग कर्जे के अंदर जिंदगी में आ गए, और उन लोगों ने तौबा कर ली कि हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन इस इंडस्ट्री को नहीं करेंगे। दोस्तों, इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव करने का काम किया है, तो एसएलपीएस वेलनेस ने काम किया है। क्यों किया? क्योंकि एसएलपीएस वेलनेस लोगों को जोड़ने की बजाय सबसे पहला एक विश्वास करने पे यकीन करती है कि मैं, अगर कोई इंसान मुझे 10,000 12,000 15,000 20,000 रुपए दे रहा है, तो बदले में हम लोग क्या दे रहे हैं। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा यूट्यूब देख रहा है, पूरा फेसबुक देख रहा है, कि आज पूरे नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल मार्केट में भी आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आयुर्वेद के अंदर जो प्रोडक्ट एसएलपीएस वेलनेस के रिजल्ट देते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में भी वो रिजल्ट किसी भी कंपनी के पास नहीं है। दोस्त, आज इस कंपनी के अंदर, आयुर्वेद के अंदर पुनर्जन्म देने वाली कंपनी एसएलपीएस वेलनेस बन चुकी है। आज एसएलपीएस वेलनेस के लोग इस काम को करने में, लोग बोलते हैं, सर इतना जल्दी जल्दी अचीवमेंट क्यों आता है, इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे की है। दोस्तों, हमारे लोग यहाँ पे मेहनत जितनी करते हैं, उससे ज्यादा उनको सपोर्ट मिलता है लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की दुआओं से, क्योंकि पूरे गांव-गांव जाके लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। आज हमारी कंपनी एसएलपीएस वेलनेस फाउंडेशन के माध्यम से गांव-गांव में फ्री के अंदर गरीब लोगों को प्रोडक्ट देने के कैंप लगाती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक दुनिया की किसी कंपनी ने गरीब लोगों को फ्री में प्रोडक्ट बांटने का काम, कैंप लगाने का काम किसी कंपनी ने नहीं किया। वो एक कंपनी है जो एसएलपीएस वेलनेस ने, जिसने मात्र 5-6 साल के अंदर की कंपनी हुई, और उसने इतने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए। आज देश सेवा के अंदर, समाज सेवा के अंदर, लोक हित के अंदर कोई कंपनी काम कर रही है, तो एसएलपीएस वेलनेस आपके सामने है। दोस्तों, आज इस विश्वास करना है तो सिर्फ इसी चीज के ऊपर, और डिसीजन लेना है तो इसी चीज के ऊपर। आज एसएलपीएस वेलनेस में जितने भी लीडर आए, जितने भी फ्रेशर आए, लीडर्स को एक चीज सोच के आए कि आज के बाद उनको किसी दूसरी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो फ्रेशर जो लोग आए, उन लोगों ने एक चीज सोची कि चाहे कुछ भी हो जाए, एसएलपीएस वेलनेस के अंदर हम कामयाब होकर दिखाएंगे। दोस्तों, और मैं आपको रिजल्ट बताना चाहता हूँ, एसएलपीएस वेलनेस क्यों करें। आज तक हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां थी, जिनमें से लोगों ने कंपनी चूज की, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी में गए, चौथी कंपनी में गए, लेकिन आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना कि बंदा उसी कंपनी को छोड़ के उसमें वापिस आ गया।
आज अगर गलती से कोई भटक के किसी के लालच में आके असली पेस वेलनेस से गलती से इधर उधर हुआ भी ना, तो 3-4-5-6 महीने के बाद वो वापिस असली पेस के अंदर आया और वो भी फेसबुक व्हाट्सएप पे बड़े बड़े हाथ पैर जोड़ के आया कि सर गलती हो गई, एक बार और मौका दो, दोबारा गलती नहीं करेंगे, और वो लोग दोबारा आके यहाँ पे कामयाबी ले रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे जिसकी वजह से हमें इतनी अच्छी कंपनी मिली। दोस्तों हम इतने अच्छे एमडी मिले, इतने अच्छे कंपनी के सीईओ मिले। हमारी कंपनी के ट्रेनर टॉप लीडर मिस्टर अनिल कुड़ी सर की बात करें तो उन्होंने दिन देखा ना रात देखा आज तक इस कंपनी को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, हम लोगों की कामयाबी में एक एक वक्त का टाइम दिया, एक एक पल का टाइम दिया, अपने घर परिवार सारी चीजों को दूर रखकर हम लोगों के लिए आज भी वो दिन रात काम करते हैं। आज दोस्तों असली पे वेलनेस में मैं आज जहां भी हूं इसके पीछे अगर सरे हूं तो मेरा तो सिर्फ नाम है, मेरी एक खूबसूरत सी टीम। मैं कह सकता हूं कि पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म होंगे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी और सबसे दमदार सबसे जानदार अगर टीम मुझे मिली है तो वो मेरे को मिली है, सबसे अच्छे अप्लाइंट मिले हैं तो मुझे मिले हैं, सबसे अच्छी कंपनी मिली है तो मुझे मिली है, सबसे अच्छे एमडी मिले हैं तो मुझे मिले हैं। दोस्तों ये इनका हम शुक्रिया अदा ही कर सकते हैं और इनके बदले में हम कुछ नहीं दे सकते। दोस्तों यहाँ तक आप लोग कैसे पहुंचे एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। दोस्तों एक दिन के अंदर सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ये बात है कि आप असली पेस में अगर लगे रहेंगे तो एक न एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। जब इतने सारे लोग करोड़पति बने हैं, जब इतने सारे लोग लग्जरी गाड़ियों के अंदर आए हैं, तो ये गारंटी है कि आप भी बनेंगे। आज दोस्तों किसी भी कंपनी की बात करें, किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट में बात करें, हाहाकार मचा हुआ है। बाहर के जब शोरूम में जाते हैं हम लग्जरी गाड़ियों के शोरूम के अंदर, तो कार वाले ये बोलते हैं सर पिछले 3 महीने से एक गाड़ी नहीं बिकी है, 2 महीने से हमारे आप लोगों के अलावा एक गाड़ी नहीं मिलती है। आप फेसबुक पे देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए, असली पीएस वेलनेस एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन से पहले जितनी कार खरीदती थी उससे ज्यादा कार लॉकडाउन के अंदर खरीद रही है। पहले अगर हम लोग महीने में 5 कार खरीदते थे तो लॉकडाउन के अंदर 8 कार खरीद रहे हैं। पहले हमारे करोड़पति महीने में 4 बनते थे तो आज 7 करोड़पति बन रहे हैं। पहले जिन लोगों को कैपिंग के लिए परेशान होना पड़ता था, ताकत लगानी पड़ती थी, आज वो कैपिंग नहीं डबल कैपिंग पे चल रहे हैं। हमारे लॉकडाउन से पहले असली पेस वेलनेस के अंदर जितने लोगों की कैपिंग लगती थी, आज लॉकडाउन चलते हुए उससे डबल लोगों की कैपिंग लग रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्ट की इतनी जबरदस्त डिमांड आ रही है। दोस्तों आज असली पेस वेलनेस के साथ अपना फ्यूचर इस वजह से भी आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आज बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा लोग काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने की वजह से, प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं कर पा रही है, लेकिन आज तक आप रिकॉर्ड देखिए लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में भी असली पेस वेलनेस ने किसी एक आदमी का सिंगल दिन के लिए प्रोडक्ट लेट नहीं किया। दोस्तों बस यही विजन है कि आप एक ही चीज सोच के चलिए कि जब मैं डायमंड बनूंगा, मैं रॉयल डायमंड बनूंगा, मैं ब्लैक डायमंड बनूंगा, मेरे पास ODBMW मर्सिडीज जाएगी तो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी, जिंदगी कितनी हसीन होगी। या आप एडवांस में अगर सोच के चलेंगे तो आप कभी थकेंगे नहीं, कभी हारेंगे नहीं, सुबह शाम काम के लिए निकलेंगे, आपको अगला टारगेट अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको यकीन नहीं दिला रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर असली पेस वेलनेस जरूर वो कंपनी है जिसने सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का काफिला अगर खेची ने खड़ा किया है तो उसका नाम असली पेस वेलनेस है। और हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी अगर किसी कंपनी में होंगी, सबसे ज्यादा करोड़पति अगर किसी कंपनी में होंगी तो उसका नाम असली पेस वेलनेस होगा। दोस्तों सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो अगर किसी कंपनी में होगा तो उसका नाम असली पेस वेलनेस होगा, क्योंकि ये कंपनी दिमाग वालों की नहीं, दिल वालों की, और दिमाग से नहीं दिल से चलती है। यहाँ लोगों को यूज नहीं किया जाता, यहाँ लोगों को अपने साथ में लेके चला जाता है, यहाँ लोगों को इस्तेमाल किया नहीं जाता, यहाँ लोगों को अचीवर बनाया जाता है। यहाँ पे आप हमारे लीडर देखिए कि करोड़पति 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी हमारे लीडर्स को आप देखिए 24 घंटे मार्केट में रहते हैं। एक फ्रेशर का जब कॉल आता है तो उसको अटेंड करते हैं, उसको रिप्लाई देते हैं, उसकी कामयाबी के अंदर जो भी सपोर्ट देना होता है वो देते हैं, ऊपर से नीचे तक संस्कार इस कंपनी में एक कॉम्बिनेशन इस तरह का डेवलप हुआ है कि कोई आदमी अगर एक बार सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कर ले तो उसको जिंदगी की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। दोस्तों प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपके सारे मैं करोड़पति बना, मैंने जैगवार ली थी, मैं लोगों को बताया करता था कि मैं करोड़पति बना, मैंने 5 करोड़ कमाए, मैंने जैगवार ली, लेकिन दोस्तों आज मुझे बताने की जरूरत नहीं होती। आज मेरी टीम में हर महीने 3-4 जैगवार आ रही है, हर महीने 2-3 BMW मर्सिडीज जोड़ी आ रही है, हर महीने 3-4 करोड़पति बन रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि लॉकडाउन से अरबपति करोड़पति पे क्या फर्क पड़ा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल शाम को मैं बैठ के मेरी इनकम जोड़ रहा था, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 जुलाई
2020 तक अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने की जो मेरी इनकम निकल के आई है वो आई है 1,35,00,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। 4 महीने से जिन लोगों की अरबों रुपए लगाने के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद, 50 करोड़ रुपए लगाने के बाद शटर बंद है, हम लोगों ने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ एक उम्मीद लगाई थी, एक विश्वास लगाया था, 1,35,00,000 रुपए की इनकम अकाउंट में क्रेडिट हुई है। हाँ, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा बैंक स्टेटमेंट भी मैं भेज दूंगा, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, फेसबुक पेज पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है, फेसबुक के ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता दोस्तों, क्योंकि इससे ज्यादा तो बात वही होगी, एक हमारे गाँव में कहावत है कि अंधे के आगे बींदबाजों, लोग बोलते हैं डमडमाट किसका हो रहा है। तो अभी हिंदुस्तान में अब भी अगर किसी को लगता है कि असली पेज पहन लें, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं इस कंपनी में आया था 1,50,000, 2,50,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 40,00,000 के मैं चेक फेसबुक पे डालता था ना, लोग बोलते थे फर्जी हैं। मेरे यहाँ पैनल पे कुछ लोग बोलते हैं बैठे हुए हैं, इनके जब चेक फेसबुक पे डालते थे लोग बोलते फर्जी हैं। मैं अब ढूंढ रहा हूँ वो फर्जी हैं लिखने वाले गए कहाँ। आजकल हमारे किसी चेक पे किसी का ये लिखा हुआ नहीं आता कि फर्जी है। जब हम जैगवार लेके किसी के पास गए लोग तब भी यकीन नहीं करते थे, बोला जैगवार तो आपके पास है सर, जैगवार अगर आपके पास है तो आरसी दिखाओ। अरे भाई, आरसी तो एडिट होके दे आ सकती है लेकिन जैगवार एडिट होके नहीं आ सकती। अब भी यकीन करो, कामयाबी है और आएगी। असली पेस मैनलेस में मैं यकीन दिला सकता हूँ, मैं और मेरे लीडर्स और कंपनी आपके साथ दिन रात एक करने के लिए तैयार है। और उसके साथ आप विश्वास कीजिए, आपको हम जितने कम टाइम के अंदर करोड़पति बने उससे भी कम टाइम में करोड़पति बनाने के लिए, लग्जरी कार में लाने के लिए, आपको कामयाब बनाने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देंगे, कंपनी के साथ मिलके आपकी सक्सेस के अंदर पूरी भागीदारी निभाएंगे। सिर्फ आपको विश्वास करना, आप विश्वास कीजिएगा। जितने भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज करना चाहता हूँ दोस्तों, हम लोग काय भी कुछ बन जाएं, कभी जिंदगी के अंदर एक ईगो मत करना, घमंड मत करना। मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज ये है, क्योंकि दुनिया में कोरोना से अगर हमने सीखी है तो एक चीज सीखी है, जो लोग करोड़ रुपए महीना कमाते थे ना वो जीरो पे चल रहे हैं। इसलिए कोरोना जैसा जानवर बोले या मच्छर बोले या क्या बोले इसको कुछ, क्योंकि किसी ने कोरोना देखा ही नहीं, जिसको किसी ने देखा नहीं उसने लोगों को तबाह करके रख दिया। तो दोस्तों हम लोगों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत खूबसूरत था और आपको मजा भी आएगा। हर जगह हर आदमी की वैल्यू है, सब लोगों को रेस्पेक्ट दीजिए, किसी का लेवल चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारे साथ ज्वाइन हो या ना हो, हमारे साथ ज्वाइन करे या ना करे, हमारी कंपनी के खिलाफ बोले हमारे खिलाफ बोले, उसको भी तारीफ कीजिए, उसको भी रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो नहीं जानता, वो बच्चा है, उसको कल हमारी कंपनी में ही आना है। वो उसको ऐसा लगता है कि हम गलत हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो भी गलत नहीं है, उसको हमारी कंपनी में आना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपने कुछ गलत बोल दिया। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, किसी को काहे दम पी लेना, क्योंकि एक चीज बोले जाती है कि जो आदमी जहर पीता है ना उसको पूरी दुनिया पूजती है, सावन के महीने में तो खासकर, और जो आदमी जहर उगलता है उसको लोग डंडों से मारते हैं। तो जहर उगलने वाले नहीं, जहर पीने वाले बनना है, क्योंकि अगर जब जब जहर पियेंगे ना, जब जब दुनिया पूजा करती रहेगी। दूसरी, मैंने बोला लॉकडाउन में आपने एक चीज देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने खाली टाइम पास करने के लिए लूडो बहुत खेला होगा। लूडो में आपने देखा होगा जब किसी को गोटी खेलनी होती है तो हर आदमी को सिक्स चाहिए होता है, और आदमी सोचता है मेरा सिक्स कब आएगा, सिक्स कब आएगा, सिक्स कब आएगा, बेकरार रहता है। लेकिन जब वो गोटी अंदर जाने वाली होती है तो सिक्स किसी को नहीं चाहिए, हर चाहता है एक कब आएगा, एक कब आएगा, एक कब आएगा, और लोगों के सिक्स खराब हो जाते हैं और एक जिसका आ जाता है वो जीत जाता है। तो दोस्तों हर जगह अलग अलग आदमी की अलग अलग वैल्यू है, कभी सिक्स की वैल्यू होती है तो कभी एक की वैल्यू होती है, कभी दो की वैल्यू होती है तो कभी फ्रेशर की भी वैल्यू है। हम लोगों को हर आदमी की वैल्यू करनी है, हमें हर आदमी को रेस्पेक्ट देना है, चाहे वो आदमी हमारा कोई भी लेवल है, हम डायमंड है, कोई आदमी अगर फ्रेशर है, सोचिए हम लोग एकदम से डायमंड बन के पैदा नहीं हुए, हम लोग भी डायमंड बनने में प्रोसेस लगा है 3-4 साल का। हमारी रियल कामयाबी, रियल अगर सक्सेस है तो एक है, हमारी टीम के अंदर सक्सेस रेशियो क्या है, हमारी टीम में कितने लोग कितने कम टाइम में सक्सेस हो रहे हैं, आपकी टीम में नए लोग फेल तो नहीं हो रहे हैं, आपकी टीम के लोग अगर आपको छोड़ के वापस घर बैठ रहे हैं तो ये हमारी, हम कुछ भी बन जाए ये हमारी सफलता नहीं है। हमारी रियल सफलता ये है कि हमारे साथ आया हुआ हर आदमी सफल हो, और अगर कोई नहीं भी हुआ किसी वजह से और वो अपने आप से बात करे तो उसको एक बात दिमाग में जरूर आनी चाहिए कि मैं अगर कामयाब नहीं हुआ तो इसमें मेरे अपलाइन का दोष नहीं है, मेरी कंपनी का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक रही। दोस्तों आपकी रेस्पेक्ट कभी भी लोगों की नजरों में कम नहीं होनी चाहिए, बस इसी चीज के साथ काम कीजिए। और हम आपको यकीन दिलाता हूँ
ये ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार, असली केस वेलनेस में जितने भी लीडर है ना, उनके बच्चों का खेल है ये, तो उनके बच्चे चलाया करेंगे। हम लोग तो असली केस वेलनेस में कुछ और ही चलाने आए हैं, जो कि कुछ दिनों के बाद में असली केस वेलनेस में आना शुरू हो जाएगा, और बाद में लोग देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कीर्तिमान हम सारे लोग मिलकर करेंगे। दोस्तों आज काफी लंबे टाइम, तकरीबन हमारा प्रोग्राम 2 घंटे से भी ज्यादा चला है, 1 घंटे ही चलाना था। आप सब लोगों ने फिर भी पेशेंस से इसको सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से सारे लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे, और जिसको मेरी जहां भी जरूरत पड़े, जिस भी टाइम जरूरत पड़े, जिस भी तरीके से जरूरत पड़े, मैं आपकी कामयाबी में साथ देने के लिए हर तरीके से तैयार हूं। असली पीएस वेलनेस आपके साथ तैयार है, हमारे लीडर्स तैयार है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।